हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक सीम्स। तो गाइस, मैं आप लोगों के लिए आ गया एक मैच कवर करने जो कि खेला जाएगा एमएलबी बेसबॉल लीग का, टीओजे वर्सेस एलए के बीच 4 घंटे 18 मिनट के बाद। इस मैच की फाइनल टीम जो मिलेगी, लाइनअप्स के बाद आपको पोस्ट होगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है एबी रॉक्स ड्रीम 11 टीम्स। बट ये लेट नाइट मैच है गाइस, तो थोड़ा सा शायद मैं ना दे पाऊँ। मतलब देखो, लेट नाइट मैच मैं देता नहीं, मैं मैक्सिमम यार 1-2 बजे तक आप लोगों के लिए पक्का देता टीम, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग मान लो या लेट नाइट मान लो। लेकिन लिंक इसका मैंने नीचे डाल दिया टेलीग्राम चैनल का, और हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा सेफ एंड नॉलेजेबल है। तो चलते हैं आगे, बात करें मैच की। देखो, वीडियो पूरी देखना टिल एंड तक कि आप लोग अपनी ऑन टीम अच्छी क्रिएट कर सकें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप किसी के भरोसे रहें, मैं ये भी नहीं चाहता मेरे भरोसे रहें, ठीक है। तो बात करें आउटफील्डर्स की, टी हर्नांडिस को लूंगा। देन पिछले मैच के अंदर हर्नांडिस फॉर्म में आया, दो सिंगल एंड एक डबल के साथ। मतलब मैं बात करूं तो बेचारे ने होम रन की बहुत कोशिश की थी, ट्राइंग बहुत अच्छी थी इस प्लेयर की। तो प्लेयर मतलब होम रन तो नहीं लगा पाया, लेकिन कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। पिछले मैच में कोशिश की थी, क्या पता आज अच्छी फॉर्म में दिखे, ऐसी बात नहीं है। मैं आगे से बात करूं नेक्स्ट प्लेयर की, तो यहाँ पे रैंडल। अब पिछले मैच के अंदर इस बंदे ने बिना होम रन के भी इतने अच्छे पॉइंट दिए, बट बेचारे का ड्रीम टीम में नाम नहीं आया। नहीं तो 22 पॉइंट बेसबॉल के अंदर पाना या कलेक्ट करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। अब आगे से बात करें नेक्स्ट पे की, बी वेलेरा को लूँगा। अब वेलेरा पिछले मैच के अंदर ये भी, इसको भी ट्रायल मिल गया, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि प्रॉपर टीम होम रन लगाने में असमर्थ थी। मतलब कोशिश करने के बावजूद भी कईयों को सफलता नहीं मिली इस मैच में। और आगे से बात करें इनफील्डर की, वी गुरेरो को लूँगा। देन वी गुरेरो ने पिछले मैच के अंदर बीआरएस के खिलाफ खेला था, जिसमें कि था, लेकिन हम पिछले मैच को नहीं देखेंगे। एक्चुअली वी हैव टू सी टोटल ओवर। मतलब जे मैं तो कहता हूँ पिछले सीजन का रिकॉर्ड भी बहुत काम आता है। जब मैं आपको फुटबॉल की टीम पोस्ट करता हूँ ना, तो मैं पिछले साल के जितने रिकॉर्ड होते हैं, मीन 10-10 साल पुराने रिकॉर्ड भी निकाल के टीम देता हूँ, ऐसे नहीं। तब भी आपको बता दूँ फॉर्म एक जैसी नहीं रहती। वैसे इतना पुराना रिकॉर्ड देखना नहीं चाहिए, मैं राय तो ये दूंगा, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ती है। अब आगे से बात करें एम सेमिन की। अब देखो, मार्कस सेमिन ने पिछले मैच के अंदर 2 डबल लिए, हमें मतलब किससे, पॉइंट से। अगर इस बंदे ने 2 होम रन लिए, 2 डबल लिए, तो उसको कितने पॉइंट मिले भाई? 1 होम रन जितने पॉइंट, जिसको कहते हैं 12 पॉइंट। 1 होम रन में 12 पॉइंट मिलते हैं, और इस बंदे ने विदाउट होम रन 23 पॉइंट दिए थे। ये चीज़ देखी जाती है, मतलब बंदे ने होम रन की कोशिश करी तो इतने पॉइंट हो गए, लेकिन अगर ये दोनों बार सफल हो जाता तो कितने पॉइंट होते, लिटरली सोचो। एंड आगे से बात करें फ्लैचर की, देन डी फ्लैचर इज़ द गुड ऑप्शन फॉर कैप्टन फॉर टुडे, क्योंकि एलए टीम भी इतनी स्ट्रांग तो मतलब इतनी बुरी तो नहीं है, ठीक ठाक है भाई। अब आगे से बात करें नेक्स्ट प्लेयर की, तो यहाँ से लूँगा, सॉरी यहाँ से मैं प्लेयर आपको बता दूँ, फ्लैचर भी हो गया, जे ग्लिसिस रह गया ओनली, एंड ग्लेसिस को मैं सिर्फ ट्राई कर रहा हूँ। देखो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं रिस्क ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि पिछले सीजन के अंदर भी इस टीम के खिलाफ ये होम रन लगाने की कोशिश तो करता है, बट सफल होगा कि नहीं आज पता चलेगा। बात करें पिचर की, देन एस ओहटानी करूँगा। भाई, ओहटानी को वाइस कैप्टन मत ट्राई करो। अगर आपको मैं सही राय दूँ तो शायद ही आज का मैच ना भी खेले, जो भी पिचर खेले, बट आपने जो पिचर लेना है वो होना चाहिए एलएए टीम का, क्योंकि हर टीम से एक पिचर खेलता है, जिसमें जो भी आज पिचर खेला वो अपने इस टीम का लेना है, ना कि टीओजे का, ठीक है। बात करें कैचर की, एमएसचेसी वाज ए गुड कैचर, लेकिन जब तक पिचिंग अच्छी नहीं होगी कैचर कुछ नहीं कर सकता, तो इस बात से मैं तो पूरा सहमत हूँ। जब तक पिचर स्ट्रांग नहीं होगा तो कैचर क्या करेगा। आगे से बात करें कैप्टन की, कैप्टन है वॉज फ्लैचर एंड वाइस कैप्टन वॉज एम सेमिन। तो ये रही मेरी टीम गाइज, मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर, बाय।